माय डॉक्टर लुबना सरवत। तो 2019 में जो हैदराबाद के एमपी असदुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र में जो बयान दिए उसमें ये फरमाए थे कि उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल में जब डॉक्टर बोले कि वो पॉजिटिव की खून किसी के पास है तो वो हाथ उठाए और फौरन वो ब्लड डोनेट करना शुरू कर दिए और वैसा उन्होंने 15 यूनिट दिए हैं ब्लड के। और यही नहीं बल्कि खुद जाके वो पेशेंटों के पास वो ब्लड डोनेट किया और ब्लड खुद अपना रहे थे। तो ये नरेशन में ऊपर से उन्होंने खुदा का नाम लिया और बोले खुदा इसका गवाह है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि आप खुदा का नाम ले रहे हो और लोगों को इतनी गुमराही में डाल रहे हो। और फर्दर यही नहीं बल्कि एक जो शान है अपनी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल उस पर एक धब्बा लग गया क्योंकि वहाँ पर उनकी जो SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ब्लड लेने का, और उनके पास जो लाइसेंस है उनका डूज एंड डोंट्स है, उसमें उनकी लाइसेंस है ड्रग अथॉरिटी के साथ, और ब्लड लेने से पहले जो फॉर्म है उनका और उसके बाद जो उनकी स्क्रीनिंग चलती है ब्लड की, उनकी इतनी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर की इन्होंने धज्जियाँ उड़ाए अपने उस स्पीच में। और सिर्फ उन चंद सालों, चंद सीटियों के लिए और चंद छोटी पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो इतनी बड़ी गुमराही परवरदिगार का नाम लेके जो करे वो बहुत ही अफसोसनाक है। अब हाल ही में क्या हुआ, अभी नवंबर 2023 में इलेक्शन से पहले फिर से वो सरफेस हो गया और वो खूब गुमराह था। तो इसीलिए हमने एक फैक्ट फाइंडिंग की बहुत ज़रूरी समझी। तो हम एक चिट्ठी लिखे यहाँ पर सवाल देते हुए, हम इस चिट्ठी के जरिए हम 7 सवाल करें उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट के साथ, हरीश राव जो कि हेल्थ मिनिस्टर है, चीफ सेक्रेटरी है, मेडिकल डिपार्टमेंट के हेड है, डायरेक्टर है, सभी से हम सवाल करें। तो सुपरिंटेंडेंट ऑफ जो उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल है उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के लेटर हेड पे हमको ये रिटर्न रिप्लाई दे दिए कि ओवैसी ऑनरेबल MP असदुद्दीन ओवैसी कभी उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल पे आज तक एक बार भी उनका खून डोनेशन नहीं हुआ है। पूरी रिकॉर्ड्स हमने वेरीफाई किए, उन्होंने कभी खून नहीं डोनेट किया। ऊपर से जो भाग के जाके लेके जाके दे रहे बोल के बोले वो बिल्कुल उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है और ये फॉर्म वगैरह जो भरते हैं इन सभी के वो खिलाफ है। और कितनी प्रोसीजर्स को वो उल्लंघन धज्जियाँ उड़ाए वहाँ पर, मैं यही अभी चंद सेकंड में आपको बता देती हूँ। अव्वल तो पहले उनको फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें उनको अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि कई अंडरटेकिंग, यहाँ तक कि उनको 33 अंडरटेकिंग्स देना पड़ता है उनको टिक मारते हुए। उसके बाद उनको डूज एंड डोंट्स का ये दिया हुआ होता है और उसके बाद एक टाइम पे सिर्फ लगभग 350 मिलीलीटर्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सिर्फ 350 मिलीलीटर्स ये वक्त एक आदमी से लिया जाता, वो भी उनको पूरी टेस्ट होने के बाद। उसके बाद वो ब्लड जो कलेक्ट होता है उनको बिठाया जाता है, पूरी टेस्ट किया जाता है, उनको डूज और डोंट्स यानी क्या नहीं करना क्या करना, और 3 महीने तक फिर वो इंसान के पास से खून नहीं लिया जाता, ये मेडिकल रूल है। और उसके बाद उनकी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है इसमें 44 प्रोसीजर्स है, वो 44 प्रोसीजर्स का हमने कोई उल्लंघन नहीं किया बोल के इसमें लिखा हुआ है। उन प्रोसीजर्स में ये भी है बहुत इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पर जो टेस्ट होता है वो HIV/AIDS की टेस्ट होती है, हेपेटाइटिस बी की टेस्ट होती है, हेपेटाइटिस सी की टेस्ट होती है, मलेरिया पैरासाइट की टेस्ट होती है, वैसे ही सिफिलिस डिजीज की टेस्ट है, और जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो पूरी वो 350 ml एक यूनिट की जो पकड़ते हैं उसकी ये पूरी टेस्ट होती है उनके पास। और वो टेस्ट होने के बाद ही वो पैक होके वो डीप फ्रीज में चला जाता है, 45 डिग्री तक के उसमें फ्रीज होता है, प्लाज्मा को अलग किया जाता है, ब्लड को अलग किया जाता है, प्लेटलेट्स की अलग तादाद होती है, अलग अलग टाइप से स्क्रीनिंग किया होता है उनके पास,
-45 डिग्री तक के, वहां पर -3 डिग्री से -45 डिग्री तक के अलग अलग यूनिट्स में नंबर दे के वहां पर स्टोर हुआ था है। और जब डिमांड आती है पेशेंट से तो वो यूनिट को वो पेशेंट के नंबर से ये इसको टैली करते हुए जो वहां रहता है पूरी उनके पास इतनी बड़ी रिकॉर्ड है, रिटन रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड, इतनी सारी प्रोसीजर पे जब उनकी लाइसेंस जो चलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट की ई रक्त कोष पे भी उस्मानिया जनरल ब्लड बैंक की लाइसेंस के साथ वहां पर लिखा हुआ है और हर हर ग्रुप की ब्लड की वहां पर है कितना अवेलेबिलिटी है नंबर्स के साथ लिखा हुआ है। तो इन सारी प्रोसीजर की उन्होंने चंद थालियां, चंद सीटियां और चंद छोटी पॉलिटिकल गेन के लिए इन सभी की धज्जियां उड़ाया उन्होंने। और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल जैसे एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन हैदराबाद की शान है वो, उस पे उन्होंने धब्बा दिखाया। इसके लिए हमने जरूरी सोचा कि फैक्ट फाइंडिंग कमिटी करना जरूरी है, इसीलिए हमारी लेटर गई। उन्होंने घंटों में हमको रिप्लाई दे दिया और हमने उनके साथ इज्जत के साथ जाके उनके पास ये प्रोसीजर के लिए, ताकि अवाम से हम गुजारिश कर रहे हैं यहां से, इस यहां से कि अवाम ऐसी जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स गैर जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारी भूलते हुए अपने एथिक्स के खिलाफ, तकवे के खिलाफ, कोई बुनियाद के बगैर, सच्चाई के बगैर ऐसी बहकावे की जो बात कर रहे हैं, आप अवाम इन बहकावों में नहीं आना, जरा थमना और बात क्या है पूरी सुनिए, समझिए। उस टाइम में समझ में नहीं आए तो बाद में भी समझिए, बाद में भी सवाल करना सीखिए और हकीकत पे रहिए। आप ऐसी बहके हुए बातों पे आप जाके 5-5 साल किसी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को आप ठहरा देते हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे जो इतनी पब्लिक प्लेटफॉर्म से खुदा का नाम लेके, एक गरीब इंसान भी जो नहीं बोलता भाई, एक ऑटो वाले ड्राइवर भी झूठ नहीं बोलता, एक तरकारी वाला भी खुदा का नाम लेके ऐसी झूठ नहीं बोलता। तो उतनी बड़ी मन से उन्होंने खुदा का नाम लेके उन्होंने अगर बोलने की हिम्मत रखी तो अपन भी सच लेने की हिम्मत रखना। सच की बुनियाद वही जो चीज है, हम सभी यहाँ पर जो बैठे हैं, तलहा जबीन, अनवर अली, शरीफ जी, यहाँ पर खुदसिया तबस्सुम, फारूक हुसैन और आदिल नदीम, हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हमारे साथ खलील अहमद है और अकबर बादशाह है जो चाइल्ड रक्षक है, हम सब यहाँ पर जो टीम बनी है, हम मासूम तरीके से हम यहाँ पर अवाम को अपील करते हैं कि हम सच को खोजिए, सच मिल जाता और सच्चे बुनियाद पे आप रिप्रेजेंटेटिव एमपी को, एमएलए को, कॉर्पोरेटर को सच्चाई के बुनियाद पे, किरदार के बुनियाद पे आप वहाँ पर ठहराइए। और उसी तरीके से हम एमपी से भी हम यहाँ से उनको बोल रहे हैं, उनको चेतावनी दे रहे हैं हम लोग कि ये फैक्ट फाइंडिंग हो चुकी है अवाम की तरफ से, आप बराए मेहरबानी सबको आप माफी मांगिए, ये हम इसकी ड्यू प्रोसीजर के तरीके से जैसे हम पता करें, अब हमारा हक फर्दर ये बनता है कि हम प्रेस के जरिए बताएं, फर्दर हमारा स्टेप बनता है कि हम एथिक्स कमिटी पार्लियामेंट को लिखे कि एथिक्स पार्लियामेंट की एक मेंबर ने इस तरीके से गुमराही की बहुत बड़ी अंदेशा वाली काम कर लिए है और फॉल्स टाइप ऑफ प्रोक्यूरिंग दी इन्फ्लुएंसिंग द वोटर्स, उसके तहत में हम एथिक्स कमिटी को लिखने वाले हैं और हम ईसीआई को भी ये भेजने वाले हैं। ये हम हमारी जिम्मेदारी के तौर पे कर रहे हैं, ये हमारा कोई इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि अगर हम सोसाइटी को, अवाम को चाहते हैं, हक को चाहते हैं, हक की मोहब्बत करते हैं और समाज की मोहब्बत करते हैं, कौम की मोहब्बत करते हैं और देश की मोहब्बत करते हैं, तो हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि हम ये सच को हम बाहर लाए सच्चाई के तरीके से, फैक्ट फाइंडिंग के तरीके से, लेटर के जरिए, और फर्दर हम पार्लियामेंट में इसको पेश करें और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने पेश करें। ये हमारी जिम्मेदारी के तौर पे हम कर रहे हैं, बस और कुछ नहीं। आपने बताया कि वोट देते वक्त ये देखिए कि कैंडिडेट सच्चा है या झूठा है। आप ये बता रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने झूठ बोला है, ठीक है, मगर उनके मद्दे मुकाबिल भी तो झूठे ही होते हैं, क्या वो सच्चे हैं या दूध के धुले होते हैं? अव्वल बात तो ये हम नहीं कह रहे हैं कि वो झूठ बोले, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना बोल रही है कि वो झूठ बोले। सेकेंड पॉइंट ये है कि उनके मुकाबले में जो बोले कि आप वो भी झूठ बोल रहे हैं, आप अगर हमारे नज़र में आ गया कि कोई अपनी इतनी
खुदा की कसम देते हुए लोगों को इतनी बहकावी हुई झूठ बोल रहे हैं इतनी ऊंची पोजीशन से, अगर आप हमको उसकी वीडियो कुछ हमारे सामने आ गया या आप भी भेज दें तो बराबर हम उसकी फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, क्योंकि हम हक आवाम के सामने पेश करना चाह रहे हैं और उस हक के बुनियाद पे अपनी देश आगे बढ़े, ये हमारी पूरी हम सब की हम टीम की यही हमारी ख्वाहिश है। आपने कहा कि एथिक्स कमेटी को लिखेंगे कि इन पे एक्शन लिया जाए, वहाँ पर भी जुमला पार्टी है और 15 लाख का छूट है वहाँ पर भी, तो सरकर्दा शख्सियात वहाँ की झूठी है और कमिटीज़ उनके अंडर में काम कर रहे हैं वो लोग। आजकल तो ये हाल है, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट इन्फ्लुएंस्ड है और सुनने में यह आया है कि बहुत सारे जजेस भी इन्फ्लुएंस में आए हुए हैं, ऐसे में आप क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या नतायज आ सकते हैं? हाँ, एक तो क्या है कि हम आवाम की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि पहले हम जो हक के लिए जो ड्यू प्रोसेस है हम वो फॉलो करें, इसीलिए हमारा पहले ये काम बनता है कि इसकी जो लॉजिकल कंक्लूजन को लेके जाने के लिए हमने क्या करना चाहिए पहले हम वो करें, फिर उसके बाद हम नतीजे के बारे में सोचें। हम पहले ही हम ये नहीं बोलना चाह रहे, प्री कंसीव हम नहीं रहना चाह रहे, हालांकि जैसे आप बताए कि जो ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है कि वैसे ही है, जैसे आप जर्नलिस्ट के हिसाब से आप जो बोले ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो वैसे ही है, लेकिन आवाम की ये जिम्मेदारी होती है कि हम अवेलेबल हर इंस्टीट्यूशन का हम इस्तेमाल करें, हम इस्तेमाल करना हमारा जिम्मेदारी है, इस्तेमाल करने के बाद कुछ नहीं हुआ तो उसके आगे और क्या करना है हम सोचेंगे, क्योंकि वही खुदा जिसका नाम पे ये झूठ फैलाया गया वही खुदा का नाम सच है, हक है, ट्रूथ है, तो वही खुदा तो इसकी भी कैसा उसको उजाड़ना और उसको कैसा बरकरार करना वो सब खुदा की भी तो जिम्मेदारी है। तो हम हमारी काम करेंगे, जैसे कुरान में भी लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा हुआ है कि हम हमारी धर्म हम हमारा कर्तव्य वहां पर करना और उसकी नतीजे को हम वही खुदा पे छोड़ना है जिस खुदा की इन्होंने गवाह मांगी अपनी स्पीच में। शुक्रिया। मैजेस्टिक स्वीट्स पिछले 22 साल से आपके खिदमत में लजीज मिठाई और नमकीन पेश करते आ रहे हैं। मैजेस्टिक स्वीट्स की मिठाई बिलखसूस अजमेरी खलाकंद न सिर्फ हैदराबाद बल्कि बैरून मुल्क भी मशहूर और मारूफ है। ताज़ी जायकेदार मिठाई और नमकीन के लिए तशरीफ लाइए मैजेस्टिक स्वीट्स एंड सेवरीज मेहदीपट्टनम, मैजेस्टिक स्वीट्स एंड नमकीन टोली चौकी हैदराबाद। नाम रखाई के स्पेशल लड्डू या गिफ्ट पैक ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 81253-59745 या 9885875153 पर।